होडल सीआईए पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार गाड़ी में सवार एक युवक के पास से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए युवक को अदालत में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से 3 लूट व 1 अवैध हथियार रखने की वारदात का भी खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया युवक राजस्थान से हथियार लाकर हरियाणा में हथियारों की तस्करी करता था। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से उसके साथियों व अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ करेगी। होडल सीआईए पुलिस ने एक सप्ताह पहले 3 देसी कट्टा, 3 पिस्तौल, 95 कारतूस व 5 मैगजीन बरामद की थी। अब पुलिस ने एक युवक को कब्जे में ले 13 देसी कट्टे पकड़ने में सफलता हासिल की है। होडल सीआईए इंचार्ज अंग शेर ने बताया कि उन्हें मुखबर द्वारा सूचना मिली कि एक युवक स्विफ्ट गाड़ी में राजस्थान से भारी मात्रा में हरियाणा सीमा में प्रवेश कर रहा है। सूचना मिलते ही सीआईए पुलिस की 2 टीमों ने गढ़ी बिछौर रोड पर नाका लगाकर वाहनों की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही स्विफ्ट गाड़ी नाके पर पहुंची, पुलिस ने उसे 4 देसी कट्टे बरामद किए। पुलिस ने गाड़ी चालक गाँव नई थाना बिछौर निवासी संजीद उर्फ हनीफ को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उससे पूछताछ की तो आरोपी ने पुलिस को बताया कि हरियाणा में हथियार की तस्करी करता है। उसने बताया कि वह हथियार गांव मुसापुर राजस्थान जिला भरतपुर निवासी अपने साथ ही नाजिर से लेकर आया है। सीआईए इंचार्ज ने बताया कि पूछताछ में पकड़े गए आरोपी संजीत पर होडल फरीदाबाद नूप में लूट के मामले दर्ज है। गुप्त सूचना के आधार पर हमने नाका लगाकर हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसे संजीत पुत्र ये नई गांव का रहने वाला है और डिजायर गाड़ी के अंदर ये हथियार लेकर अपने गांव में जा रहा है। राजस्थान से हथियार लेके आया है तो नाकाबंदी करके मुखबर के आधार पर हमने इसको काबू किया और गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में से 13 देसी कट्टा बरामद किए। तो सर ये और भी मामले हैं, कहां पर बेच निकली ले जा रहा था ये? अभी इसका आज न्यायालय में पेश करके इसको पुलिस रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ करेंगे इससे। इससे तो सर क्या इसके खिलाफ कोई मामला दर्ज है क्या? हाँ जी, इसके खिलाफ 4 अपराधी के मामले दर्ज हैं जिसमें लूट है, स्नैचिंग है और आरएमएक व एक अन्य मुकदमा दर्ज है। कहाँ कहाँ पर दर्ज है मामला? ये फरीदाबाद में है, होटल में है, नू में है और एक राजस्थान में। इससे कितने हथियार बरामद किए गए? इससे 13 देसी कट्टे बरामद किए गए। तो सर कहाँ से कहाँ ले जा रहा था ये? राजस्थान से लेके आया था, राजस्थान में मुसेपुर गाँव पड़ता है, वहाँ से लेके आया था डिस्ट्रिक्ट अलवर में और अपने गांव में लेके जा रहा था। तो सर ये इस कसम की सर कोई तस्करी करता है क्या ये? हाँ, हमने तस्करी अधिनियम के तहत ही अभी हम पर्चा दर्ज किया है सर, आगे रिमांड पे लेके पूछताछ की जाएगी। सर कहाँ सप्लाई करता था ये? नहीं, ये तो अपने घर लेके जा रहा था सर। अभी तो अभी किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? हमने तस्करी का है, वेपन तस्करी के एक्ट में उसमें दर्ज किया। इसके कोई अन्य साथी भी है या अकेला है? अभी इसे रिमांड पे लेके पूछताछ करेंगे। ये हथियार कहाँ से बरामद किया आपने? ये हथियार कहाँ से बरामद किए? ये बिछौर रोड पड़ता है सर, बिछौर रोड से गिरफ्तार किया।